अध्याय एक, मातृभूमि, कक्षा छः, विषय हिंदी, किताब मल्हार, प्रश्न उत्तर, पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? उत्तर, सिंधु। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार का चिन्ह बना लीजिएगा। दूसरा, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। कविता में सोहन लाल द्विवेदी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा, इसलिए सिंधु शब्द का विकल्प चयन करना उचित होगा। दूसरा, मातृभूमि कविता में कवि सोहन लाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय, पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है, इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। विकल्प का चयन उचित है। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। शब्द, अर्थ या संदर्भ। उत्तर, पहला, हिमालय अर्थात भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। दूसरा, त्रिवेणी, तीन नदियों की मिली हुई धारा संगम। तीसरा, मलय पवन, दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। चौथा, सिंधु, समुद्र एक नदी का नाम। पांचवा, गंगा यमुना, भारत की प्रसिद्ध नदियां। छठा, रघुपति, श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। सातवां, श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। आठवां, सीता, जनक की पुत्री जानकी। नौवां, गीता, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। दसवां, गौतम बुद्ध, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो दोस्तों आप भी इनका मिलान कर लीजिएगा। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। उत्तर, कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी कहा क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। कवि ने भारत को बुद्ध भूमि कहा क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में अखंडता रहे। आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देता है। अंत में कवि ने इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा क्योंकि वह इसी धरती पर जन्मा है और उसे भारत की गौरवमयी धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। सोच विचार के लिए का कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला, कोयल कहाँ रहती है? उत्तर, कोयल अमराइयों में रहती है। दूसरा, तन मन कौन संवारती है? उत्तर, बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती है। प्रश्न तीन, झरने कहाँ से झरते हैं? उत्तर, झरने पहाड़ियों से झरते हैं। चौथा, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? उत्तर, श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया। पांचवा, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? उत्तर, गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, पूरे संसार को अहिंसा, दया
और करुणा का संदेश दिया। प्राणी जगत में सभी से प्रेम करो, संदेश दिया। ख, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग चैर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। पहला, कहाँ कहाँ छटा छहर रही है? उत्तर, नदियों के किनारों पर नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग में हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। दूसरा, किसका पानी लहर रहा है? उत्तर, गंगा, यमुना और त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम स्थल में पानी हिलोरे लेकर उमंग एवं मस्ती से आगे बढ़ता है। कविता की रचना। गंगा, यमुन, त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिए। मिलान। स्तंभ एक और स्तंभ दो में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। स्तंभ एक, स्तंभ दो। उत्तर, पहला, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। दूसरा, चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तीसरा, अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न आप स्वयं कीजिए। शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। का, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द दो बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों में ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। उत्तर, घर घर, प्रत्येक घर। दूसरा, बाल बाल, हर बाल सही सलामत। तीसरा, सांस सांस, हर सांस। चौथा, देश देश, हर देश। पांचवा, पर्वत पर्वत, हर पर्वत। खा, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। संकेत, तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्धि आदि। उत्तर, तप भूमि, तपस्या की भूमि। मरुभूमि, मरुस्थल की भूमि। देव भूमि, देवताओं की भूमि। मलय भूमि, मलय पर्वत की भूमि। भारत भूमि, भारत की भूमि। रंग भूमि, रंगमंच की भूमि। जन्म भूमि, जन्म की भूमि। रणभूमि, युद्ध की भूमि। कर्म भूमि, कार्य की भूमि। कर्तव्य भूमि, कर्तव्य की भूमि। सिद्ध भूमि, सिद्धियों की भूमि। थोड़ा भिन्न, थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी। उत्तर, चांद, चांदी, घट, घाट, चना, चीन, मेला, मैला, दान, दिन। पाठ से आगे। आपकी बात। क, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं? वह स्थान आपको कैसा लगता है? उस स्थान की विशेषताएं बताइए। संकेत, प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि। उत्तर, मैं भारत के राजस्थान राज्य में रहता हूँ
यहाँ की मरुस्थलीय सुंदरता और रेत के टीलों की अद्भुत छटा देखते ही बनती है। यहाँ का खान पान मुख्यतः दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी है। राजस्थान का जलवायु गर्मी में बहुत तप्त और सर्दियों में ठंडी रहती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान जयपुर का हवा महल और जैसलमेर का सोनार किला है। खा, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। उत्तर, मेरे मित्र का नाम वैभव है। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहता है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और हर मुश्किल विषय को आसानी से समझा लेता है। वंशी से, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनमें नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए वाद्यों के नामों का शब्द जाल। तो दोस्तों, पहले हम वाद्य यंत्रों के नाम पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस शब्द जाल में उन्हें ढूंढते हैं। पहला चित्र है अलगोजा, दूसरा चित्र है बीन, तीसरा चित्र है बांसुरी, अगला चित्र है सींगी, अगला चित्र है शहनाई, अगला चित्र है नादस्वरम, अगला चित्र है भंकोरा और आखिरी चित्र है शंख। तो आइए अब इन शब्दों को शब्द जाल में ढूंढते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है शहनाई, यहाँ पर है बांसुरी, यहाँ पर है बीन, यहाँ पर है सींगी, यहाँ पर है अलगोजा, यहाँ पर है भंकोरा, यहाँ पर है नादस्वरम और यहाँ पर है आखिरी शंख। आज की पहेली, आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है, क्रम संख्या एक अक्षर और इससे बना शब्द महासागर, दूसरा हिमालय, तीसरा गंगा, चौथा भारत, पांचवा कोयल और छठा पवन। झरोके से, आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। वंदे मातरम भावार्थ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुजलाम सुफलाम, तुम जल से भरी हुई हो, फलों से परिपूर्ण हो। मलयज शीतलाम, तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। शस्य श्यामलाम मातरम, तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम, हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, सदैव हंसने वाली मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली वरदान देने वाली माँ। वंदे मातरम वंदे मातरम, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आप नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी पर इसे संगीत के साथ सुन भी सकते हैं। तो दोस्तों, लिंक आपको दिया गया है बुक में और इसको आप टाइप कर सकते हो, या अगर आपके पास PDF है तो क्लिक कर सकते हो और आप वंदे मातरम को संगीत के साथ सुन सकते हैं। दोस्तों, हमारा अध्याय एक मातृभूमि के सभी प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।